दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाई थी आत्माओं के बारे में, जो अपने ब्रह्म होते हैं उन चीजों के बारे में, भूतों के बारे में एक तरह से। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जोश में आके ये वीडियो तो बनाने चले गए, लेकिन हम लोगों को पता है हमारे ऊपर क्या बीती है क्या नहीं बीती। जब हम वीडियो बना रहे थे तो हमारी इतनी कोई खास दिक्कत नहीं थी दोस्तों, और जब हम लोगों ने वीडियो एंड की तब दिक्कत आई, और जब हम लोगों ने इस वीडियो को घर पे आके चेक किया तब हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने क्या देखा है। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहना दोस्तों। हमारा जो कैमरामैन था वो अभी तक भी बीमार है दोस्तों, मेरी खुद की भी हालत खराब है, मेरे हाथ पैर सब कहीं पे दुख रहे हैं दोस्तों, और मेरे को खुद को ये नहीं पता मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। अब थोड़ा जाके सही हुआ है दिमाग, इसके कारण मैं आप लोगों की वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। आप लोग देख लेना कैसी क्या वीडियो है ये, आप लोग पूरी वीडियो देखना एक बार, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। और इस धरती के ऊपर आत्माएं का निवास है दोस्तों, मैं कन्फर्म कहता हूं इस धरती के ऊपर सब कुछ है। तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाता हूं मैं हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग के अंदर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ब्लॉग देने जा रहा हूँ। मेरे गाँव के अंदर ऐसी ऐसी डरावनी जगह है जहाँ पे रात को लोग कोई भी नहीं जाते, बच्चे बूढ़े औरत कोई भी नहीं जाते उस जगह पे। ऐसी ऐसी जगह मेरे गांव के अंदर है, आज मैं जाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेरी वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, स्किप मत करना। और फिलहाल मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ, ये देखिए दोस्तों फिलहाल टाइम हो रहा है 11:07, आप लोग देख सकते हो 11:07 हो रहा है दोस्तों। फिक्स 12 बजे, लोग बोलते हैं 12 बजे डर होता है, मैं फिक्स 12 बजे आप लोगों को उस जगह पे लेके चलूंगा। वीडियो के अंदर बने रहे दोस्तों, धन्यवाद। तो ये देखिए दोस्तों फिलहाल टाइम हो चुका है 12:07, आप लोग देख पा रहे होंगे टाइम फिक्स 12:07 हो चुका है। तो हम लोग अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो आप लोगों को दिखाते हैं हमारे साथ आज क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करो, तो हम लोग अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। 12 बजे का नाम लिया था तो वीडियो के अंदर बने रहे। तो चलो तो ये देखिए दोस्तों हम लोग अभी आगे चलते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेरे को डर लग रहा है दोस्तों। तो अभी तो फिलहाल मेरे साथ पूरी टीम है, इसके कारण ज्यादा डर नहीं लगेगा क्योंकि हम 3-4 लोग हैं। तो हम लोग चलते हैं अभी, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा क्या सीन है। आप लोगों को आवाजें आ रही होंगी, यहाँ पे सुनसान रात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हमारे पास मोबाइल है, टॉर्च है और एक ये लाइट है, इसकी वजह से ही हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा चलते हैं दोस्तों आगे, वीडियो के अंदर बने रहे। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आप लोगों को, जहां पे हम लोग जा रहे हैं वहां पे एक छोटा सा ऐसे पानी निकालने का कुआं था, जिसको हम अपनी देसी भाषा के अंदर कुआं बोलते हैं, वो कुआं था। उसके अंदर एक लेडीज गिर गई थी, एक औरत थी वो गिर गई थी, तो वो वहां पे मर गई थी। तो उसका जो उसकी जो मतलब आत्मा है, उसका शरीर है, वो रात को भटकता है यहाँ पे आत्मा, ये ऐसा कहना है गाँव वालों का। और यहाँ पे शायद रियल में ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आए थे वो यही बात बता रहे थे कि रात को हम वहां पे मत जाना कोई भी, और जो पहले आए थे तो वो क्या तो बीमार हुए हैं और क्या फिर मरे हैं, ये कन्फर्म है दोस्तों। बहुत डरावना सीन है वहां पे, मैं आप लोगों को तो ये देख सकते हो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे अभी थोड़े खेतों के अंदर आ चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे खेत है, यहाँ पे बाजरा बोल सकते हैं हम देसी भाषा के अंदर ये है। तो इसके अंदर तो वैसे ही डर लगता है रात को कोई आता है तब। तो हम लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो चारों तरफ सुनसान इलाका है, इस तरफ भी देख सकते हो आप लोग चारों तरफ बिल्कुल सुनसान है, पर हम लोग जा रहे हैं आप लोगों के लिए रिक्स उठा के। ये देख सकते हो दोस्तों अभी इस साइड से पता नहीं क्या गया क्या नहीं गया, आप लोग देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर, इस साइड से अब भी पता नहीं क्या गया है। टॉर्च दो टॉर्च, अब भी पता नहीं किस चीज की आवाज थी, ऐसे लगा जैसे कोई गया हो। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं अंदर कुछ,
आप लोग देख सकते हो, पता नहीं क्या क्या समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या गया क्या नहीं गया। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हम लोग हमारे सामने पता नहीं क्या गया क्या नहीं गया, मेरे को खुद को नहीं समझ में आया दोस्तों। जब हम लोग कैमरा करके उसके पीछे कर रहे थे तो हमारे सामने से ऐसे पता नहीं क्या गुजरा, हम लोगों को खुद को नहीं समझ में आया दोस्तों। हम लोग जा रहे थे कुएं के पास, हमारे सामने से पता नहीं क्या गुजरा दोस्तों। हम कैमरा लेके गए तो हमारा कैमरा बंद हो गया वहां पे दोस्तों, पता नहीं क्या घटना होने वाली है हमारे साथ। तो दोस्तों हमारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है और हम लोग फिलहाल आगे आ चुके हैं क्योंकि हमारा कैमरा चालू नहीं हुआ। हम उसके पीछे गए तब से हमारा कैमरा बंद है और अब जाके चालू हुआ है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को दूर से ही दिखा देता हूँ जिस कुएं के बारे में आप लोगों को बता रहा था। तो हम कुएं से थोड़ी सी दूर है, बाकी हमारे पास ही आप लोग देख सकते हो वीडियो के अंदर। मैं लाइट का फोकस करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, ये सामने हमारे जस्ट जो आगे है ये वो कुआ ही है। यहाँ पे ये पेड़ डूबा हुआ है, इसको टिक्कर बोलते हैं हम हमारे देसी भाषा के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, हम लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी हमारे साथ अनहोनी हो चुकी है। और मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आगे जाने की, क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोग वीडियो के अंदर बने रहो दोस्तों, हमारी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है। तो देख सकते हो दोस्तों, हम लोग वहां पे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि जो कुएं के पास है वो वहां पे बड़े बड़े झाड़ियों के पेड़ हैं। तो दोस्तों वहां पे हम लोग जा नहीं पाएंगे, वो मैं आप लोगों को भी दूसरे ब्लॉग के अंदर दिन के अंदर दिखा दूंगा क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि आगे हम लोग जाएंगे तो झाड़ियां हैं क्योंकि हम अंदर नहीं जा पाएंगे उसके, क्योंकि झाड़ियां वगैरह है और वहां पे पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हम लोग फिलहाल चलते हैं इस साइड के अंदर क्योंकि इस साइड के अंदर भी लोग डर बताते हैं, वहां पे शायद हम लोगों को झाड़ियां वगैरह नहीं मिलेंगी। तो आप लोग चलो। तो हम लोग देखिए दोस्तों चल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या आवाजें आ रही हैं, क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा डर चुके हैं दोस्तों हम लोग। ये देखिए दोस्तों, हम लोग वहां पे आ चुके हैं जो जगह मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक तो कुएं के बारे में, कुएं के अंदर हम जा नहीं पाए, मतलब कुएं के पास हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि वहां पे झाड़ियां वगैरह थी इसके कारण, और रात को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था वहां पे। तो जो जगह मैंने आपको दूसरी बताई थी उस जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जस्ट हमारे सामने है जो दूसरी जगह है। तो मैं यहाँ का आप लोगों को बता देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। ओए संभल के, ये देखिए दोस्तों आ गया हो। ये देखिए दोस्तों, ये वो जगह है जहां के बारे में आप लोगों को बता रहा था। लोग ऐसे बोलते हैं इस जगह के ऊपर कि ये चौराहा था क्योंकि एक रास्ता इस साइड के अंदर जा रहा है, एक ये जो सीधा रास्ता ये जा रहा है। तो यहाँ पे लोग जो जिसको हम अपनी देसी भाषा के अंदर टूंडर वगैरह कुछ ऐसे बोलते हैं, देसी भाषा के अंदर बोलते हैं, और उसके कारण यहाँ पे जो भी आता था वो क्या तो बीमार वगैरह होता था या दिमाग से, मतलब दिमाग उसका खराब हो जाता, मतलब वो पागल वगैरह हो जाता था। तो ये वो ही जगह है दोस्तों, और मैं फिलहाल इसी जगह पे खड़ा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल तो मेरे को कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, पर मैं फिर भी इस जगह से थोड़ा दूर रह के ही आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। जो हमारे गाँव के जो बड़े बुजुर्ग है वो ऐसे बोलते हैं कि इस जगह पे जो भी आता है रात को 12 बजे के बाद, और फिलहाल मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग 12:30 बज चुके हैं, 12:28 हो रही है दोस्तों। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ही खड़ा हूँ। तो अभी तक तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई नहीं इस जगह पे खड़े होने के कारण, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, बस थोड़ा महसूस सा हो रहा है, ऐसे थोड़ा डर सा लग रहा है, बाकी कुछ इतना खास महसूस हुआ नहीं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो मैं फिलहाल यहीं पे खड़ा हूँ और डर तो लग रहा है दोस्तों, पर क्या करूँ यहाँ पे हूँ, यही वो जगह है दोस्तों आप लोग देख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल तो हमारे साथ इतना कुछ खास हुआ नहीं है दोस्तों, डर थोड़ा सा महसूस हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, हूँ मैं यहीं पे ही। और यहाँ पे पहले आया था मैं एक बार, तो यहाँ पे एक खंबा था, मतलब जिसको हम पोल बोलते हैं, जैसे बिजली का खंबा नहीं होता ऐसे वो खंबा था यहाँ पे। फिलहाल वो खंबा भी है नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है ये, पता नहीं 2-3 दिन पहले मैं आया था यहाँ पे, तो दिन के अंदर आया था मैं दोस्तों। तो यहाँ पे खंबा था, अब पता नहीं
लोगों ने उखाड़ लिया या पता नहीं क्या सिस्टम है, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो मैं यहीं पे हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे को अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, ना ही डरावनी जगह तो है। वैसे लोग बोलते हैं वो हकीकत तो है पर, लेकिन मैं साबित करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मेरे को कॉन्फिडेंस है इतना मेरे ऊपर, कुछ भी नहीं होगा और बाकी सब भगवान के हाथ में है, जो होगा जो देखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक तो हमारे कुछ हुआ नहीं, 35 मिनट हो गए दोस्तों, तो हम लोग अभी यहाँ से चलते हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहे दोस्तों, चले रास्ता किस साइड में, इस साइड से तो आए थे। तो दोस्तों हम लोग फिलहाल यहाँ से थोड़ी आगे आ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है ज्यादा रुकना अच्छी बात नहीं होगी, तो हम लोग चलते हैं अभी फिलहाल अपने टेंट की तरफ, जहाँ पे हम लोगों ने अपना टेंट बनाया हुआ है वहां पे चलते हैं दोस्तों। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से दोस्तों, और रास्ते के अंदर पता नहीं क्या क्या आवाजें आ रही थी, आप लोगों ने देखी भी होगी वीडियो के अंदर और सुनाई भी दे रही होगी शायद। तो हम लोग चलते हैं अभी अपने टेंट की तरफ, वहां पे चलते हैं उस जगह के ऊपर, और वो सबसे खतरनाक वाली जगह है दोस्तों। उसके बारे में तो हर कोई ऐसे बोलता है कि यहाँ पे रात को जाना ही मत, तो वहां पे और चलता हूँ दोस्तों। डर तो बहुत लग रहा है पर क्या करूँ, चलता हूँ वहां पे भी जाके देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, अंदर चल के बातें करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा टेंट है, ये छोटा सा बना रखा है, आप लोग चारों तरफ से देख सकते हो। ये हमने टेंट बनाया था आज दोपहर के अंदर यहाँ पे आके, ये दूसरे का ही खेत है। हमने खेत वाले से बात की अगर हम लोग रह सकते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने आवर दी, तो इसके कारण हम यहाँ पे टेंट बनाए छोटा सा। ये देख सकते हो ये खाट है, इसको हम पलंग बोलते हैं हमारे देसी भाषा के अंदर। ये लेके आए थे, ये कपड़े वगैरह लेके आए, कुर्सी लेके आए, और घर से ये चाय भी बना के लेके आए थे कि थके तो चाय वगैरह पी लेंगे। लेकिन अब तो कहाँ पे चाय पियेंगे, मतलब कुछ इच्छा ही नहीं हो रही, मतलब दिमाग ऐसे खराब हो रहा है जिसकी कोई याद नहीं है। तो ये हमारा टेंट है, आप लोग देख सकते हो ये छोटा सा टेंट है चारों तरफ से। तो हम लोग फिलहाल यहाँ पे रिलैक्स करते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हम लोग फिलहाल आराम करके उठ चुके हैं, मतलब थोड़ा रेस्ट किया है दोस्तों। ये तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, फिलहाल टाइम हो गया 1:20, तो हम लोग अभी चलते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मेडे की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम मेडा बोलते हैं देसी भाषा के अंदर। तो हम लोग जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक वाला सीन है, तो हम लोग चलते हैं अभी आगे, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या सीन है, कैसा क्या माहौल है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, आगे जाने के लिए मना है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तार वगैरह लगा रखे हैं। दिन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बिड़ला की जब वीडियो दी थी, ये वो ही रास्ता है, जब बिड़ला कंपनी की वीडियो दी थी वो ही ये रास्ता है। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कितना डरावना सीन है यहाँ पे, किस तरीके से आवाजें आ रही है नाइट के अंदर, और यहाँ पे ये बंद कर रखा है, बिल्कुल बंद कर रहा है, क्योंकि रात को यहाँ पे कोई नहीं आता है कोई भी। तो हम आप लोगों के लिए इतने रिस्क उठा के आए हैं, तो अभी यहाँ से तो हम उल्टे जा नहीं सकते, आप लोगों को दिखाते हैं आगे चल के। तो हमारे को ये तारों के नीचे से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि तार बंद है, तो मैं चलता हूँ आगे, तारों के नीचे से ही होना पड़ेगा मेरे को। तो हम लोग चलते हैं फिलहाल, आ जाओ उसके नीचे से आना पड़ेगा। तो ये हमारे कैमरामैन भी नीचे से निकल चुके हैं, तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, देखते हैं कैसा क्या है सीन आगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो कैसे डरावने डरावने आवाजें आ रही हैं, आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी ये। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कैसा क्या सीन है देखते हैं आके। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितने डरावने सीन है, यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा है दोस्तों, पर लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ आगे, बार बार पंछियों की इनकी आवाजें आ रही है यहाँ पे। चलो चलते हैं आगे चल के देखते हैं, और तैयार हो ना सब, चलो चलो चलो। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आधे रास्ते के अंदर आ चुके हैं, तो हमारे जो ये सामने है जो ये मेड़ा है दोस्तों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहीं पे ही डरावना सीन होता है दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हालत खराब हो चुकी है हमारी, मतलब चारों तरफ ये आवाजें आ रही हैं, और पता नहीं कैमरे क्या हो रहा है, मतलब बंद हो जाता है कभी चालू हो जाता है, पर मैं फिर भी थोड़ा आगे जा रहा हूँ, आगे चले।
चलते हैं, देखते हैं कुछ नहीं, होगा नहीं तो, चलो देखते हैं, चलो चलते हैं। होगा तो देख। तो हम लोग आगे जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अभी फिलहाल आगे, वो धीरे धीरे आना भाई संभल के, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं भाई, धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है दोस्तों। ओए ओए ओए, वो क्या है, वो क्या, उधर देखो, उधर सामने, उधर उधर कर कर कर, उधर उधर, हाँ सामने चल, सामने सामने सामने, हाँ हाँ ये देख, ये देख 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 देख, उस तरफ, हाँ सीधा सीधा, जूम कर जूम कर जूम कर जूम कर, क्या है वो देख देख, जूम कर जूम कर जूम कर, जूम जूम कर, जूम जूम, उसके ऊपर देख, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ये पहाड़ सा है ना, इसके ऊपर देख, जूम कर तो, जूम कर तो, ये देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने, अभी आप लोगों ने देखा होगा उस साइड के अंदर ऐसे पता नहीं क्या चीज निकली, मेरे को समझ में नहीं आया दोस्तों। तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है दोस्तों। आप लोगों को मैंने वीडियो के अंदर दिखा दी और शायद ये वीडियो के अंदर आ भी रही होगी ये सीन। तो हम लोग यहीं से वापस चलते हैं दोस्तों, आगे बहुत ज्यादा डर है दोस्तों, तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा दोस्तों। आप लोगों को दिखा दी, ओए चल भाई चल 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 चल, निकल यहां से निकल, चल 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 चल, चल ना भगना यार, चल चल चल, अरे जल्दी आ, चल 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 जल्दी आ, चल 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 जल्दी आ, जल्दी आ, अच्छा अच्छा रुक।